नमस्कार मित्रों मित्रों, इस वीडियो में आप लोग उस महान बलशाली राजा के बारे में जान पाएंगे जिसके समान पृथ्वी पर और कोई दूसरा राजा नहीं था। वह राजा अपनी शक्ति के मद में इतना चूर था कि वह बार बार अपने को कोसता था कि इतनी शक्ति मेरे किस काम की कि जब मुझसे कोई टक्कर ही नहीं ले सकता। तो मित्रों, आज हम उसी राजा के बारे में बताएंगे जिसका वर्णन विष्णु पुराण के अध्याय 23 में कुछ इस प्रकार से मिलता है। एक बार महर्षि गार्ग से उनके साले ने यादवों की गोष्ठी में नपुंसक कह दिया। उस समय समस्त यदुवंशी हंस पड़े। तब गार्ग ने अत्यंत कुपित हो दक्षिण समुद्र के तट पर जाकर यादव सेना को भयभीत करने वाले पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की। उन्होंने श्री महादेव जी की उपासना करते हुए केवल लौह चूर्ण भक्षण किया। तब भगवान शंकर ने 12वें वर्ष में प्रसन्न होकर अभीष्ट वर दिया। तब एक पुत्रहीन यवनराज ने महर्षि गार्ग की अत्यंत सेवा कर उन्हें संतुष्ट किया। तब उसकी स्त्री के संग से ही उनके एक भवरे के समान कृष्णवर्ण बालक हुआ जिसका नाम कालयवन था। वह यवनराज उस कालयवन नामक बालक को, जिसका वक्षस्थल वज्र के समान कठोर था, अपने राज्य पद पर अभिषिक्त कर स्वयं वन को चला गया। तदंतर वीर्य मदोन्मद अर्थात वह अपनी शक्ति में चूर कालयवन ने नारद जी से पूछा कि मुनिवर, पृथ्वी पर बलवान राजा कौन कौन से हैं? इस पर नारद जी ने यादवों को ही सबसे अधिक शक्तिशाली बताया। यह बात सुनकर कालयवन ने हजारों हाथी घोड़े और रथों के सहित सहस्रों करोड़ों मलेच्छ सेना को लेकर बड़ी भारी तैयारी की और यादवों के प्रति क्रुद्ध होकर अविच्छिन्न गति से मथुरापुरी पर चढ़ आया। एक ओर जरासंघ का आक्रमण और दूसरी ओर कालयवन की चढ़ाई को देखकर श्री कृष्णचंद्र ने सोचा, यवन के साथ युद्ध करने से छीड़ी हुई यादव सेना अवश्य ही मगध नरेश यानी जरासंघ से पराजित हो जाएगी, और यदि प्रथम मगध नरेश से लड़ते हैं तो उससे छीड़ी हुई यादव सेना को बलवान कालयवन नष्ट कर देगा। हाय, इस प्रकार यादवों पर एक ही साथ दो तरह की आपत्ति आ पहुंची है। अतः मैं यादवों के लिए एक ऐसा दुर्ग तैयार करता हूं जिसमें बैठकर ब्रिसरी श्रेष्ठ यादवों की तो बात ही क्या, स्त्रियां भी युद्ध कर सकेंगी। ऐसा विचार कर श्री गोविंद ने समुद्र से 12 योजन भूमि मांगी और उसमें द्वारिकापुरी की निर्माण की और समस्त मथुरा वासियों को द्वारिका में ले आए और वे फिर मथुरा लौट आए। जब कालयवन की सेना मथुरा को घेर लिया तो श्री कृष्णचंद्र बिना शस्त्र लिए मथुरा से बाहर निकल आए। तब यवनराज कालयवन ने उन्हें खाली हाथ देखकर वह उनके पीछे दौड़ा। इस घटना को श्री कृष्णा धारावाहिक में भी बड़े स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। कालयवन से पीछा किए जाते हुए श्री कृष्णचंद्र उस महागुफा में घुस गए जिसमें महावीरशाली राजा मुचकुंद सो रहा था। उस दुर्मति यवन ने भी उस गुफा में जाकर सोए हुए राजा को लात मारी। उसके लात मारने से उठकर राजा मुचकुंद ने उस यवन राज को देखा। उनके देखते ही वह यवन उसकी क्रोधाग्नि से जलकर भस्मीभूत हो गया। इस प्रकार पापी काल यवन को दग्ध कर चुकने पर राजा मुचकुंद ने श्री मधुसूदन को देखकर पूछा, आप कौन हैं? तब भगवान ने कहा, मैं चंद्रवंश के अंतर्गत यदुकुल में वासुदेव जी के पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ हूँ। तब राजा मुचकुंद को पूर्व काल में गार्ग मुनि के वह वचन याद आया कि 28वें युग में द्वापर के अंत में यदुकुल में श्री हरि का जन्म होगा। इस प्रकार से आप लोगों ने जाना कि जो पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली राजा कालयवन था उसके सामने कोई टिक नहीं सकता था,
उसके पूछे जाने पर नारद मुनि ने बताया कि इस समय यादव ही सर्वाधिक शक्तिशाली हैं जो आपसे टक्कर ले सकते हैं। सो वैसा ही हुआ। वह यादवों की शक्ति और श्री कृष्ण की कूटनीति से भस्म हो गया। तो मित्रों, पुराणों में वर्णित यादवों को महान शक्तिशाली होने की कथा कैसी लगी अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।